दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। अच्छा, ये टॉपिक मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि किस टॉपिक को किस तरह डिज़ाइन करूं। इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग ढंग से लेने की कोशिश की है, और इस टॉपिक का, इस वीडियो का मैंने टाइटल दिया है फाइंड योर सेवन इन यू। सेवन जो डिजिट है, फाइंड योर सेवन इन यू। आप लोग थोड़े से सरप्राइज होंगे, थोड़े हैरान होंगे, थोड़े कंफ्यूज होंगे कि ये क्या टॉपिक है, फाइंड व्हाट सेवन। देखिए, सेवन का मतलब ये है अपने अंदर 7 out of 10 चीज को पहचानिए। एक्चुअली सारी जिंदगी जो काम हमसे नहीं होता, दैट मीन्स 3 out of 10। मान लीजिए आपके किसी में मार्क्स 3 out of 10 हैं, तो आप क्या करते हैं, उस पर कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पे कोशिश, कोशिश पे कोशिश, सारी एनर्जी वेस्ट होती है, और अल्टीमेटली हमें ये पता लगता है कि ये काम शायद हमारे लिए नहीं बना। मैं आपसे कहता हूं, आप वो काम कीजिए जिसमें आपके 7 out of 10 हैं, और सर्च योर सेवन, फाइंड योर सेवन इन यू। अपने अंदर उस सेवन को पहचानिए और उस सेवन को इम्प्रूव करके 10 तक ले आइए, 10 out of 10 तक, क्योंकि वो लाना आसान है। ऊपर 3 इंक्रीज करना आसान है, नीचे से 3 से ऊपर 10 तक ले जाना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जिस बिजनेस आइडिया में, या जो कोई भी आपका ऐसा कोई ऐसी चीज है, कोई काम है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको 3 है, दैट मीन्स आपका वो काम नहीं है, आपको उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आप उस काम के अंदर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काम आपका है ही नहीं। अगर दुनिया में हर काम कोई भी कर लेगा, कर लेता, तो शायद एक ही काम सारे लोग कर पाते। और मैं आपको बता दूं, यह आपकी खुशनसीबी है। यू आर फॉर्चुनेट इन दिस वर्ल्ड कि आज वो घिसे पिटे प्रोफेशंस को छोड़ के हजारों लाखों प्रोफेशंस दुनिया में आ चुके हैं जिसमें आप आगे एक्सेल कर सकते हैं। फाइंड योर सेवन इन यू। आप वो सेवन, आपका जो सेवन है वो किसी भी चीज में हो सकता है, स्पीच में, राइटिंग में, आपके कोई ऐसे एक्शन में जो आप जैसा एक्शन किसी में ना हो, उस एक्शन को इतना बिल्ड कर लीजिए, उस एक्शन को, उस मूव को, उस क्वालिटी को इतना इंप्रूव कर लीजिए कि वो 10 out of 10 हो जाए। दुनिया आपको ढूंढे कि यार ऐसा बंदा ढूंढो जिसके 10 out of 10 हो इस फील्ड में। दुनिया आपको ढूंढेगी, आपको जितनी मुंह मांगी रकम होगी मिलेगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी उस फील्ड में जिसमें आपके 7 है, क्योंकि 7 को 10 तक इंप्रूव कर सकते हैं हम, लेकिन 3 को 10 में इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो 3 से बढ़ के आप मैक्सिमम 4, 4.5 तक लेके जा सकते हो, लेकिन उस 7 को इंप्रूव करके आप 10 तक लेके जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें आपकी क्वालिटी है, और वही काम आपके लिए बना है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी वो काम करते रहते हैं जिसमें 3 out of 10 उनको मिले हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि यार हम इसमें इंप्रूव कैसे करें, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, वो काम उनका है ही नहीं। तो क्यों ना उस काम को करें जिसमें हमें इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है, हम आगे और मेहनत कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से इस तरह के काम मैं देख रहा था। गूगल पे अगर आप सर्च करें, या दुनिया में अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते हैं, या आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको आजकल ऐसे ऐसे प्रोफेशन बन गए हैं, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हैं वो प्रोफेशन बन जाएगा। आप बोलने में अच्छे हैं, स्पीकिंग के हजार और एवेन्यूज आपके सामने होंगे, आप नेगोशिएट करने वाले अच्छे हो सकते हैं, लाखों हाईएस्ट पेड जॉब्स दुनिया के अंदर हैं, आप नेगोशिएटर बन जाइए। आप में किसी भी चीज का टैलेंट है, मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं आपको, मैं उसी फील्ड में आपके लिए हजार एवेन्यूज निकल जाएंगे, क्योंकि आजकल एवेन्यूज की कमी नहीं है, लोग सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, बेस्ट आदमी की तलाश की जा रही है। दुनिया में बेस्ट ढूंढो, और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप उस काम में आना चाहते हैं, दो काम मैं आपको बता रहा हूं, ये आप काम कर लीजिए। नंबर 1, उस काम का बेस्ट आदमी ढूंढिए, उस काम का देखो इसमें बेस्ट कौन है। नंबर 2, ये सोचिए कि ये बेस्ट मैं क्यों नहीं बन सकता, वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। ये दो सवाल, अगर आपने इस दो सवालों के आंसर दे दिए, आप जिंदगी में इतनी कामयाबी मिलेगी आपको, उस फील्ड में इतनी कामयाबी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। शोहरत, नाम और पैसा इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे।
इसकी वजह यही है कि जब दुनिया के अंदर ऐसे काम तराशे जाते हैं, मतलब ऐसे काम को हम पॉलिश करते हैं, तो वो काम दुनिया की चोटी तक पहुंचते हैं और सारी दुनिया के लोग उस आदमी को ढूंढते हैं कि इस आदमी को ढूंढो, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसके 10 out of 10 हो। आप उस लेवल तक तो पहुंचिए। दोस्तों ये टॉपिक मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सभी का टॉपिक है, ये सभी की प्रॉब्लम है। ये आज दुनिया में हर आदमी, हर हर किसी की यही प्रॉब्लम है कि यार मैं टॉप लेवल तक कैसे पहुंचूं, और जबकि वो उस लेवल पे होता है 3 out of 10 में। अगर आप ऐसी चीजों को ढूंढें, अपने अंदर ऐसी चीजों को ढूंढिए जिसमें आपके 7 out of 10 है, यार जो काम आपसे नहीं हो रहा प्लीज उसको छोड़ दो, वो काम करो जो आपसे हो जाता है, जो आपको आसानी से आप कर लेते हो, जिसमें आपको मजा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस काम में आप 10 out of 10 ले सकते हो, कम मेहनत से आप ज्यादा अचीव कर सकते हो। और एक बार आपने 10 out of 10 ले लिए, दुनिया का कोई आदमी नहीं जो आपको बीट कर सकता है। नंबर 1 आदमी ढूंढो उस फील्ड का, और नंबर 2 वो आदमी कैसे पहुंचा है, आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक, अपने आप को कोशिश में लगा दो। आप यकीन कीजिए आपके कामयाबी और पैसा शोहरत आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, और मुझे उम्मीद है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इसको शेयर करेंगे तो काफी लोगों को इस चीज से फायदा होगा। और आप इसके अंदर एक सर्कल देख रहे हैं, सर्कल को क्लिक कीजिए तो मेरा चैनल ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होगा। थैंक यू वेरी मच।